नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अगस्त की पहली तारीख से 6 जोड़ी पैसेंजर स्पेशल ट्रेन का फिर से शुरू होगा परिचालन। अवैध बालू खनन मामले में अब इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर पर गिरी गाज। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में आज से नामांकन की प्रक्रिया है शुरू। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा बिहारियों को गुंडा कहने के मामले में घिरी। फिर से बदल गई बी8 संयुक्त प्रवेश परीक्षा की तारीख। तो आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। 1 अगस्त से 6 जोड़ी पैसेंजर स्पेशल ट्रेन का फिर से शुरू होगा परिचालन। पूर्व मध्य रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ख्याल में रखते हुए धीरे धीरे पैसेंजर ट्रेनों के परिचालन को फिर से बहाल करने को शुरू कर दिया है। इस क्रम में 1 अगस्त से अगले आदेश तक के लिए पटना, गया, धनबाद आदि स्टेशनों से 6 जोड़ी पैसेंजर स्पेशल को फिर से शुरू करने का फैसला लिया गया है। जानकारी के मुताबिक सिंदरी टाउन धनबाद पैसेंजर स्पेशल ट्रेन, धनबाद सिंदरी टाउन पैसेंजर स्पेशल, बरवाडीह डेहरी ऑन सोन पैसेंजर स्पेशल अप और डाउन दोनों में चलेगी। गोमो चोपन पैसेंजर स्पेशल अप और डाउन में परिचालित होंगी। इसके साथ ही गया जमालपुर पैसेंजर स्पेशल, गया क्यूल पैसेंजर स्पेशल और पटना सासाराम पैसेंजर स्पेशल ट्रेनें भी अप और डाउन दोनों में परिचालित होंगी। अवैध बालू खनन मामले में अब इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर पर गिरी गाज। अवैध बालू खनन में अधिकारियों के संलिप्तता पाए जाने के मामले को बिहार सरकार गंभीरता से देख रही है। जहां एक तरफ राज्य में तैनात आईपीएस और डीएसपी रैंक के अधिकारियों की संपत्ति जांचने के बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया था, तो वहीं अब बीते दिन बुधवार को पुलिस मुख्यालय ने बड़ी कार्रवाई की है। मामले में संलिप्त 4 इंस्पेक्टर और 14 सब इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया गया है। इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई चलेगी। बता दें कि ये सभी अधिकारी पटना, भोजपुर, औरंगाबाद, सारण और रोहतास जिले में पोस्टेड थे। इन सभी के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई की टीम की जांच रिपोर्ट में पता चला कि बालू माफिया से इनकी साठगांठ थी, जिसका पता चलते ही पहले इन्हें फिर से हटाया गया, उसके बाद अब निलंबित कर दिया गया है। फिर से बदल गई बी8 संयुक्त प्रवेश परीक्षा की तारीख। कोरोना महामारी की वजह से शैक्षणिक कैलेंडर में बार बार कई कारणों से फेर बदल करना पड़ रहा है। इस बीच सेशन 2021 के लिए बिहार बी8 प्रवेश परीक्षा की तारीखों में एक बार फिर से बदलाव किया गया है। पहले यह परीक्षा 11 अगस्त को होने वाली थी, जिसे बढ़ाकर अब 13 अगस्त कर दिया गया है। बताते चले कि तारीख में यह बदलाव 5वीं बार किया गया है। अब परीक्षार्थी इस परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड को 4 अगस्त से डाउनलोड कर सकेंगे। बताते चले कि राज्य के 11 शहरों में प्रवेश परीक्षा के लिए सेंटर बनाए गए हैं, जहां एक साथ ही 13 अगस्त को परीक्षा ली जाएगी। बिहार में है देश की सबसे बड़ी सोने की खान। गरीब राज्यों की सूची में शामिल बिहार आज भी पिछड़े राज्यों की सूची में शामिल है। हालांकि बिहार को लेकर हाल ही में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। यह खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि राज्यसभा मानसून सत्र में एक सवाल का जवाब देने के दौरान केंद्रीय खान, कोयला और संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने दिया है। साझा की गई जानकारी के मुताबिक देश का सबसे महंगा खनिज संसाधन सोने का अयस्क बिहार में ही है। संसद में प्रस्तुत राष्ट्रीय खनिज सूची डेटा के 1 अप्रैल 2015 के आंकड़ों से पता चलता है कि देश भर में स्वर्ण अयस्क का कुल भंडारण 501.83 मिलियन टन अनुमानित किया गया है। इनमें से 17.22 मिलियन टन रिजर्व कैटेगरी में और बाकी 484.61 मिलियन टन को शेष रिसोर्स कैटेगरी में रखा गया था, जिसमें से बिहार में 222.8 मिलियन टन का स्वर्ण अयस्क संसाधन है। यह देश के कुल स्वर्ण के अयस्क संसाधन का 44% उपलब्ध है, जिसके बाद अब यह सवाल उठने लगे हैं कि अगर बिहार में इतना बड़ा संसाधन उपलब्ध है तो उसका अब तक दोहन क्यों नहीं किया गया है। बता दें कि इस खबर की पुष्टि पीआईबी इन बिहार की तरफ से भी की गई है। बिहार से सटे नेपाल बॉर्डर पर 11 ड्रोन कैमरों के साथ तस्कर की हुई गिरफ्तारी। बिहार के मधुबनी जिले के हरलाखी प्रखंड से सटे भारत नेपाल सीमा से 11 ड्रोन कैमरों के साथ एक तस्कर की गिरफ्तारी हुई है। इनकी गिरफ्तारी 48वीं बटालियन कैंप के जवानों ने बीते दिन बुधवार को की है। जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार तस्कर हरलाखी का ही रहने वाला विनय कुमार बताया जा रहा है। गिरफ्तार आरोपी को एसएसबी के जवानों ने हरलाखी पुलिस को सौंप दिया गया है। पूछताछ में चला है कि सभी 11 ड्रोन कैमरों को आरोपी 600 रुपए लेकर दिदिया बॉर्डर से साहरघाट में पहुंचाने का काम कर रहा था। मामले में अन्य 2 लोग की छानबीन की जा रही है। बताते चले कि जम्मू कश्मीर में आतंकियों द्वारा ड्रोन से हमले किए जाने के बाद से ही सुरक्षा बल ड्रोन को लेकर सख्ती से जांच कर रहे हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर भारत के प्रोजेक्ट टाइगर के 48 साल हुए पूरे। दुनिया भर में बाघ को विलुप्त प्राय होने से बचाने के लिए और उसके संरक्षण के उद्देश्य से आज का दिन सबसे ताकतवर और सुंदर जीव बाघ के नाम समर्पित है। आज भारत सरकार द्वारा टाइगर को बचाने की मुहिम प्रोजेक्ट टाइगर के भी 48 साल पूरे हो गए हैं, इसलिए आज हम आपको साल 1973 से लेकर अब तक के आंकड़े बताने जा रहा है। भारत ने टाइगर को बचाने की मुहिम जो शुरू की थी वो रंग लाई। देश में अब टाइगर रिजर्व की संख्या 9 से बढ़कर 50
हो गई है। वहीं साल 2014 से 18 के बीच में देश में बाघों की संख्या 2967 तक पहुंच गई है। खुशी की बात यह है कि दुनिया के 70% बाघों की आबादी वाला देश भारत ही है। बाघों के संरक्षण की दिशा में भारत के अहम योगदान को देखते हुए साल 2019 में पीएम नरेंद्र मोदी ने अखिल भारतीय बाघ अनुमान रिपोर्ट जारी करते हुए कहा था कि बाघों की रक्षा की कहानी एकता टाइगर से शुरू हुई थी, वो टाइगर जिंदा है तक पहुंच गई है। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में आज से नामांकन की प्रक्रिया है शुरू। बिहार के नालंदा खुला विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 21-22 के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। इस बार इंटर से लेकर पीजी तक के 105 कोर्स में नामांकन के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इनमें पारंपरिक और व्यावसायिक दोनों कोर्स शामिल है। लड़कियों को एडमिशन की फीस में 25% की विशेष छूट दी जा रही है। बताते चले कि इच्छुक छात्र छात्रा ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही एनयू के पटना स्थित बिस्कोमान भवन के यूनिवर्सिटी काउंटर पर भी आवेदन करवा सकते हैं। नामांकन के विशेष जानकारी के लिए अभ्यर्थी नालंदा खुला विश्वविद्यालय की वेबसाइट nau.ac.in या फिर www.nalandaopenuniversity.com पर विजिट कर सकते हैं। लोक शिकायतों को दूर करने के मामले में गया जिले ने पाया पहला स्थान। बिहार के गया जिले ने लोगों की शिकायत को दूर करने के मामले में शीर्ष स्थान पाया है। जून 2021 को यह स्टेट रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें गया ने कुल 9 कैटेगरी में 74.49% अंक हासिल किए हैं। वहीं शिवहर ने 70.03% के साथ दूसरा स्थान पाया है, तो वहीं किशनगंज को तीसरा स्थान मिला है। गौरतलब है कि लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत 60 दिनों के अंदर लोगों की शिकायतों का निपटारा करने पर उस जिले को कार्यालय को पूरे 10 नंबर मिलते हैं। इसी तरह अन्य कैटेगरी में अलग अलग अंक निर्धारित रहते हैं। बताते चले कि गया के जिला मुख्यालय सहित सभी अनुमंडल मुख्यालयों में लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का कार्यालय में लोगों की शिकायतों का निपटारा किया जाता है और 60 कार्य दिवस के भीतर ही शिकायतों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। दरभंगा के लाल सीआरपीएफ सेकंड कमांडेंट कुमार मैंग को मिला राष्ट्रपति पुरस्कार। मिथिला नगरी ने कई सुरमाओं को जन्म देकर राज्य को गौरवान्वित करने का मौका दिया है। इसमें से एक नाम दरभंगा जिले के रानीपुर गांव में जन्मे और फिलहाल सीआरपीएफ सेकंड कमांडेंट के पोस्ट पर तैनात कुमार मयंक का भी जुड़ गया है, जिन्हें वीरता के लिए राष्ट्रपति गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड उन्हें मंगलवार को कोलकाता में दिया गया है। बताते चले कि उन्होंने जम्मू कश्मीर घाटी में हिजबुल मुजाहिदीन के 15 लाख के इनामी सरगना अबू दुजाना और आतंकी संगठन लश्करे तैयबा के आतंकी समीर टाइगर को 30 अप्रैल 2018 को कश्मीर के पुलवामा जिले में घेराबंदी कर मार गिराया था, जिसके लिए उन्हें वीरता सम्मान दिया गया है। दूसरी तरफ कुमार मयंक की उपलब्धि पर विद्यापति सेवा संस्थान और मैथिली अकादमी के सदस्यों ने उनके परिवार जनों से मिलकर शुभकामनाएं दी हैं। पटना में आज से चल रहा है फायर ऑडिट अभियान। राजधानी पटना के सभी अपार्टमेंट, बड़े व्यावसायिक और सरकारी प्रतिष्ठानों के साथ साथ अस्पतालों का फायर ऑडिट करने के लिए आज से अभियान शुरू किया गया है। फायर ऑडिट के तहत इन सभी भवनों में आग लगे के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले यंत्रों का निरीक्षण किया जाएगा। इस दौरान जहां पर ऐसी व्यवस्था नहीं की गई होगी या फिर यंत्रों में कुछ खराबी मिलेगी तो उन्हें कुछ दिनों की मोहलत दी जाएगी, जिसके बाद दोबारा फायर ब्रिगेड की टीम उन भवनों का ऑडिट करेगी। वहीं किसी तरह की लापरवाही दिखने पर संबंधित प्रतिष्ठान को नोटिस देकर उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। यह ऑडिट अभियान नई बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली 2021 के तहत चलाया जा रहा है, जिसका मकसद है कि आग लगे की किसी तरह की घटना से तत्काल बचाव की पहल की जा सके। शहरी क्षेत्र में रहने वाले जेई और सीनियर अफसरों के यहाँ लगेंगे स्मार्ट मीटर। बिजली कंपनी ने आम लोगों से पहले जूनियर इंजीनियरों और इससे ऊपर के अधिकारियों के घरों में सबसे पहले स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का आदेश जारी किया है। इसके तहत जिन पदाधिकारियों का मुख्यालय शहरी क्षेत्र में है, उनके यहाँ अगस्त महीने की अंतिम तारीख तक हर हाल में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया जाना है। यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि पदाधिकारी स्वयं उपयोग करके स्मार्ट प्रीपेड मीटर की कार्यप्रणाली के बारे में सही से जान सकेंगे और जरूरत के अनुसार उपभोक्ता को उसके लाभ के बारे में बता सकेंगे। इसके लिए EESL सभी अंचलों में आवश्यकता अनुसार स्मार्ट मीटर 10 अगस्त तक भेज देगा। ये मीटर अभियंता अपनी ही देखरेख में लगवाएंगे। मुकेश सहनी दिल्ली में अमित शाह से करेंगे मुलाकात। बिहार सरकार के मत्स्य एवं पशुपालन मंत्री व VIP के अध्यक्ष मुकेश सहनी की बीजेपी से नाराजगी ने सूबे में सियासी हलचल तेज कर दी है। बिहार NDA में एक तरफ टूट का खतरा सटा रहा है, तो दूसरी तरफ खुद मुकेश सहनी भी अपनी पार्टी के विधायकों में टूट होने के अंदेशे से खौफ खा रहे हैं। इस बीच वे दिल्ली पहुंचे हैं, जहां उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मिलने का समय मांगा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मुकेश सहनी आज अमित शाह से मिलकर उत्तर प्रदेश में उनके साथ हुए दुर्व्यवहार और पार्टी में टूट की अटकलों को लेकर बातचीत करेंगे और मदद की गुहार लगाएंगे। बताते चले कि सहनी ने बिहार की NDA सरकार पर आरोप लगाया था कि उनकी पार्टी को गठबंधन में तवज्जो नहीं दी जाती है। हालांकि अब वे दिल्ली में अमित शाह से इन मसलों का हल मांगेंगे। बीजेपी विधायक ने अच्छे अफसरों के ट्रांसफर को लेकर दिया बयान। विधानसभा में चल रहे मानसून सत्र के दौरान अधिकार
अधिकारियों के ट्रांसफर केले का मामला खुद सत्ता पक्ष के विधायक ने उठाया है। दरअसल बीजेपी विधायक संजय सरावगी ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में बड़ी संख्या में अधिकारियों के ट्रांसफर को लेकर सवाल उठाया। इस दौरान विधायक ने सवाल किया कि किसानों की जमाबंदी में कई सालों से कई जिलों में कोई काम नहीं किया गया है। अच्छे अफसर को डिमोशन और नॉन परफॉर्मर अफसरों को प्रमोशन देने के कारण ऐसा हो रहा है। उन्होंने सवाल दागा कि सरकार ऐसे नकारा अधिकारियों पर क्या कार्रवाई कर रही है, जिस पर मंत्री रामसूरत राय ने कहा कि किसानों की जमाबंदी से जुड़े मामलों में 10 लाख किसानों के मामले हैं, जिनमें 8 लाख मामलों का निपटारा किया गया है। इस पर संजय सरावगी ने कहा कि 25 करोड़ किसानों के जमाबंदी के अपडेट नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार भटकाने का काम कर रही है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा बिहारियों को गुंडा कहने के मामले में घिरी। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा बिहारियों को गुंडा कहने के मामले में विवादों में घिर गई है। दरअसल सांसद निशिकांत दुबे ने महुआ मोइत्रा पर आरोप लगाया था कि आईटी कमेटी की बैठक में उन्होंने 3 बार बिहार गुंडा कहा। उन्होंने इसे बिहार के साथ साथ पूरे हिंदी भाषी लोगों को गाली देने जैसा बताया है। वहीं इस मामले में बिहार की राजनेता की एंट्री हो चुकी है और बिहार के बीजेपी नेताओं ने उनसे माफी मांगने को कहा है। बीजेपी विधायक हरिभूषण बचौल संजय सरावगी ने जल्द से जल्द टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को सार्वजनिक तौर पर बिहार के लोगों और देश से माफी मांगने को कहा है। टीम इंडिया के लिए श्रीलंका में आज होगा करो या मरो वाला दिन। भारतीय टीम के लिए आज करो या मरो वाला दिन है, क्योंकि आज श्रीलंका के साथ T20 इंटरनेशनल की सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच खेला जाना है। इससे पहले बीते दिन बुधवार को टीम इंडिया को दूसरे मैच में श्रीलंका टीम ने हरा दिया था, जिसके बाद ही मुकाबला बराबरी पर अटका हुआ है। बता दें कि बीते दिन भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 132 रन का स्कोर खड़ा किया था। जवाब में श्रीलंका ने 19.4 ओवर में 6 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर जीत दर्ज की, जिसके बाद आज रात को भारतीय टीम जीत के इरादे से मैदान पर उतरने वाली है। बताते चले कि कृणाल पांड्या के कोविड पॉजिटिव होने के बाद भारतीय टीम को अपने प्लेइंग 11 में बदलाव करना पड़ा है। ऐसे में आज का मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार भारत और श्रीलंका के बीच आज रात T20 सीरीज के अंतिम मैच में किस टीम का पलड़ा ज्यादा भारी लग रहा है? आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, और बिहार से जुड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहें बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।